नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे झारखंड में आदिवासियों और पुलिस में झड़प, छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज ने आरक्षण बिल पर राज्यपाल से लगाई गुहार, परसा कोल ब्लॉक मामले पर राजस्थान बिजली निगम पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और महाराष्ट्र में 52 सरकारी डॉक्टरों को मिला नोटिस। एमबीबी पोल में आदिवासियों की बदलती जीवन शैली और उसके परिणामों पर होगी चर्चा। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। झारखंड में आदिवासियों और पुलिस में झड़प, 5 जवान घायल, राजमहल ललमटिया कोल परियोजना का कर रहे थे विरोध। छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज ने की राज्यपाल से मुलाकात, आरक्षण विधेयक पर जल्द हस्ताक्षर की मांग। परसा कोल ब्लॉक पर राजस्थान बिजली निगम पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कहा जल्द सुनवाई हो नहीं तो हो जाएगा गंभीर बिजली संकट। ओडिशा के आदिवासियों में गंभीर सिकल सेल अनीमिया रोग, 18 साल से कम के युवा भी इसकी चपेट में। महाराष्ट्र में 52 सरकारी डॉक्टरों को नोटिस, कुपोषण से बढ़ते मौत के आंकड़ों पर हाईकोर्ट ने जताई हैरानी। एमबीबी पोल में आदिवासी इलाकों में पहुंच रही गंभीर बीमारियां, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं झारखंड की खबर से। झारखंड के गोड्डा में आदिवासियों और पुलिस के बीच झड़प की खबर आई है। गुरुवार को आदिवासियों ने पुलिस पर तीरों से हमला कर दिया। इस झड़प में एसडीओपी समेत 5 जवान और कई आदिवासी भी घायल हुए हैं। ये आदिवासी कोयला खनन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने आदिवासियों पर लाठी चार्ज कर दिया। इसके बाद आदिवासी भड़क गए और पुलिस पर हमला कर दिया। दरअसल गोड्डा में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की राजमहल ललमटिया कोल परियोजना चल रही है। आदिवासी कई दिनों से इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस गुरुवार को मामले को शांत कराने पहुंची तो वहां आदिवासियों से झड़प हो गई। खबरों के मुताबिक ईसीएल और जिला प्रशासन के अफसरों के साथ सुरक्षा बलों के 1000 से ज्यादा जवान इलाके में मौजूद हैं। तनाव को देखते हुए इलाके में फिलहाल धारा 144 लगा दी गई है। आदिवासियों ने आरोप लगाया कि उन लोगों को उनकी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है, उनकी आजीविका को नष्ट किया जा रहा है, जबकि ईसीएल का दावा है कि उसने आदिवासी रैयतों की जमीन ली है और उन्हें अब तक 10 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दे दिया गया है। आपको बता दें, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को कोयला आधारित बिजली स्टेशन के लिए 10 गांवों की 1214 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। और अब झारखंड से चलते हैं छत्तीसगढ़। राज्य में आरक्षण विधेयकों को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज सोहन पोटाई गुट ने गुरुवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस मुलाकात में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन सौंपकर राज्यपाल की ओर से पूछे गए 10 में से 8 सवालों का जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल से आरक्षण विधेयकों पर जल्द हस्ताक्षर करने की मांग की। सर्व आदिवासी समाज ने कहा कि आरक्षण विधेयकों के अटकने से आदिवासी समाज का व्यापक हित प्रभावित हो रहा है। आदिवासी समाज ने राज्यपाल के विधिक सलाहकार पर SC ST विरोधी मानसिकता का होने का आरोप लगाया। समाज का कहना है कि विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित विधेयकों पर राजभवन की आपत्ति एक्स्ट्रा जुडिशियल है। इन विधेयकों की समीक्षा का अधिकार केवल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2 दिसंबर को आम राय से 2 विधेयक पारित किए गए थे, जिनके लागू होने के बाद राज्य की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में कुल आरक्षण 76% हो जाएगा। हालांकि राज्यपाल ने अभी तक इन आरक्षण विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के ही परसा कोल ब्लॉक के बारे में। राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है। इसे देखते हुए राज्य के बिजली निगम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष राजस्थान बिजली निगम के वकील नादकर्णी ने कहा कि राजस्थान में कोयले का कोई भंडार नहीं बचा है, ऐसे में राज्य में गंभीर बिजली संकट उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने कोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई की अपील की। याचिका के मुताबिक राजस्थान 40% बिजली के लिए परसा खदानों के कोयले पर निर्भर है।
वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी पीठ को बताया कि कोयले की कमी के कारण जल्द ही गंभीर बिजली संकट पैदा हो सकता है। दिसंबर 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट ने परसा कोल ब्लॉक खनिज परियोजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने तब कहा था कि हम विकास के रास्ते में नहीं आना चाहते हैं और हम इस पर बहुत स्पष्ट हैं। हम कानून के तहत आपके अधिकारों का निर्धारण करेंगे, लेकिन विकास की कीमत पर नहीं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य में कोयला खदानों को राज्य सरकार से अनुमति दिए जाने के बाद आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरगुजा, कोरबा और सूरजपुर जिले में 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हसदेव अरण्य देश के सबसे विविध और खूबसूरत जंगलों में से एक है। आदिवासियों का कहना है कि कोयले के खनन की वजह से हसदेव अरण्य के 8,00,000 पेड़ों को काटा जाना है। इसके अलावा यहाँ के कम 10,000 आदिवासी विस्थापित भी होंगे। और अब है खबर ओडिशा से। राज्य के गजपति जिले के 3 ब्लॉक्स में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों यानी पीवीटीजी की लगभग 1/3 आबादी सिकल सेल अनीमिया से पीड़ित है। खासकर 18 साल से कम उम्र के युवा इससे पीड़ित हैं। जिला प्रशासन द्वारा पिछले 1 महीने में गुम्मा, मोहना और आर उदयगिरी ब्लॉक्स में 13 विशेष शिविर लगाए गए थे। इनमें कुल मिलाकर 365 आदिवासियों की जांच की गई। इनमें से 126 को सिकल सेल अनीमिया है और उनमें से 79 की उम्र 18 साल से कम है। गजपति प्रशासन ने AMLAM के तहत विभिन्न विभागों को शामिल करके शिविरों का आयोजन किया था। ये शिविर सौरा, लंजिया सौरा और डोंगरिया कोंध जनजातियों के इलाकों में लगाए गए थे। इस ड्राइव का दूसरा चरण फरवरी में शुरू होगा। प्रशासन के मुताबिक गजपति जिले में अब तक लगभग 300 सिकल सेल अनीमिया पीड़ितों का पता चला है। मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी PK पात्रा ने कहा कि सिकल सेल अनीमिया अनुवांशिक बीमारी है। इसे छुटकारा पाने के लिए ये जरूरी है कि युवक और युवतियां शादी से पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। अगर दोनों में रोग के लक्षण पाए जाएं तो विवाह नहीं करना चाहिए। इससे बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। माना जाता है कि सिकल सेल अनीमिया से पीड़ित व्यक्ति लगभग 40 वर्ष तक ही जीवित रहता है। हालांकि समय के साथ बीमारी को कम करने के लिए जरूरी कदम, अत्याधुनिक इलाज और थेरेपी ने इस बीमारी के बोझ को काफी कम किया है। सिकल सेल अनीमिया आदिवासी भारत में कितनी बड़ी चुनौती है और इसका निदान क्या हो सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दक्षर पटेल। डॉक्टर पटेल लंबे समय से इस बीमारी के बारे में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वो गुजरात के डेडियापाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर पटेल, ये बीमारी आदिवासी भारत में इतनी बड़ी चुनौती क्यों है, क्या इसकी कोई खास वजह है? ना जाए तो देखिए, सिकल सेल एक ऐसी ट्राइबल विस्तार, आदिवासी विस्तार और आदिवासी समाज के लिए एक चेतावनी भी है और एक ऐसी समस्या है कि अगर इसको 50 सालों में अगर हम नहीं रोक पाए तो हमारा एक आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी एक हमारा अस्तित्व के बारे की बात है। ये बीमारी तो जेनेटिक्स है कि भाई ये वारसागत रोग बीमारी है। अनुवांशिक बीमारी होने की वजह से हम जब तक उसको डायग्नोसिस नहीं करेंगे तब तक हम पता नहीं चलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे भारत की बात बोले या वर्ल्ड की बात बोले और हमारे गुजरात की भी बात बोले तो हम अभी इस कगार पे है कि हमारे जो आदिवासी समाज है इसमें से 25-30% लोगों को ये सिकल सेल है। तो इट इज, ये बहुत बड़ा एक प्रोपोर्शन है। हम बहुत सी, देखिए कोई भी बीमारी हो, हम कोई भी बीमारी होनी नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी वो सब 1-2% में है तो भी हम बहुत इसके पीछे लगे हुए हैं। आज हमारे आदिवासी समाज में सिकल सेल जो बीमारी है उसका प्रोपोर्शन 20% से बहुत से इलाकों में, हमारे गुजरात की बात बोले तो छोटादेवपुर में तो शायद 35-40% जैसा है। तो समझ ले कि 100 आदिवासी को स्क्रीनिंग करेंगे इसमें से 30-40 लोगों का सिकल सेल पॉजिटिव आया तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और समस्या इसीलिए है कि अगर आने वाले समय में उससे अगर हम गंभीरता से नहीं लिए और हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारे आने वाले अस्तित्व की बहुत बड़ी चैलेंज हो जाएगी। इस बीमारी से बचने के लिए क्या किए जाने की जरूरत है? देखिए, पहली बात हमें दो 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 चीज पे, सिकल सेल के बारे में पहले तो हमें सबको समझना पड़ेगा वो किसी को सिकल सेल है या नहीं है। लेकिन हम अगर आदिवासी विस्तार में रहते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं तो हमें सिकल सेल के बारे में मालूम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे है इसीलिए मुझे मालूम है, क्योंकि पहली बात हमें प्रिवेंशन करना पड़ेगा।
उसकी रोकथाम के लिए अवेयरनेस जरूरी है। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे, स्क्रीनिंग के लिए भी नहीं जाएंगे। हम बहुत बार जाते हैं लेकिन इसमें से 100 के पास जाते हैं तो 2 ही लोग करवाते हैं। तो पहले तो एक अवेयरनेस की जरूरत है कि वो सिकल सेल है क्या, कैसे होता है और क्यों होता है, और अगर है तो उसको रोका कैसे जा सकते। तो हम जो एटलीस्ट हम 10-12 से साल से काम कर रहे हैं, हमारी बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना है, हमारे आदिवासी संगठनों के साथ भी हमेशा बातें होती रहती है, और हम एक्चुअली अवेयरनेस के कार्यक्रम चला रहे हैं, 1200-1300 लेक्चर ले चुके हैं, लाखों को स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। तो ये देख के हमें इतना जरूर मालूम है कि हमें 2 फेज पे काम करना पड़ेगा। पहला फेज है कि हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि भाई सिकल सेल क्या है, कैसे इसे आप इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे, कहाँ आपको इसकी, क्योंकि हमारा समाज एक तो गरीब है, थोड़ा अनएजुकेटेड भी है, तो उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट मिलेगी, स्क्रीनिंग मिलेगी, वो पहले जानना बहुत जरूरी है। हाँ, जो जी बीमार होगा उसको तो कुछ भी करके जाना ही पड़ेगा, या किसी से जमीन गिरवी रख के या फिर किसी से पैसा लेके भी जाना तो पड़ेगा उसको। लेकिन जी हम चाहते हैं कि भाई हमारा समाज एटलीस्ट जहाँ उसको गवर्नमेंट की सुविधाएं मिल सकती है या फिर नहीं है तो हमें इसको उपलब्ध करवाना पड़ेगा। इसके लिए हम सभी पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है, हमारे राजकीय लोगों की जिम्मेदारी है, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक की जिम्मेदारी है। डॉक्टर पटेल, क्या सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है? आपको क्या लगता है इस बारे में? लास्ट 10 साल से मैं देख रहा हूँ, और ये 5 साल से तो शायद गवर्नमेंट ने भी अपना इनिशिएटिव बहुत सारी जगह पे लिया है, स्क्रीनिंग पार्ट भी लिया है, पीपीपी मॉडल पे दिया है। और हम गुजरात की अगर बात करें तो 2006 से हमारे यहाँ सिकल सेल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है। ये गुजरात पहला स्टेट ऐसा था जिसने ये इस पे इनिशिएटिव लिया है। तो ये एक अलग डिपार्टमेंट चालू करना वो बहुत बड़ी बात है, स्क्रीनिंग भी हो रही है, लेकिन कहीं भी ऐसी जगह पे है जो ग्रे एरिया है कि जहाँ अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगा तब तक हम किसी को भी इसके बारे में ट्रीटमेंट, देखो बीमार होगा तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन हमारे सिकल सेल एक जेनेटिक ब्लड का डिसऑर्डर है और जेनेटिक वजह से वो मदर फादर से इसका आता है, और इसके लिए इसके दो दो प्रकार है, एक सिकल सेल ट्रेट और दूसरा है सिकल सेल डिसीज। ट्रेट एसिम्टोमेटिक है, एक कैरियर स्टेज में है तो उसे कोई सिम्टम नहीं आता, और हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि ट्रेट वाले 98% है, अगर 100 में से 20 लोगों को सिकल सेल है तो इसमें से 18 लोगों को सिकल सेल ट्रेट है और 2 लोगों को सिकल सेल डिसीज है। तो जिन लोगों को सिकल सेल डिसीज है उन लोगों को तो ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ेगी, उनको तो क्राइसिस होगी, पेन होगा, खून की कमी हो जाएगी, और बहुत सारे सिम्टम आएंगे, तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रेट है, जो कैरियर स्टेज है ना, इसके बारे में हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इसके बारे में कुछ, क्योंकि देखिए कैरियर को तो कोई होने वाला नहीं है, उसके कोई सिम्टम आने वाले नहीं है, उसको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत है। मेन चीज है सर इसके अंदर के सिकल सेल ट्रेट को मैरिज से पहले, जैसे हम कुंडली मिला के शादी करते हैं, इसलिए सिकल सेल कुंडली मिला के शादी करनी चाहिए, ये मेन प्रिकॉशन है। अगर प्रिवेंशन वही है, और हम अभी तक सिकल सेल को इसीलिए नहीं रोक पा रहा है क्योंकि हम कैरियर स्टेज पे ध्यान नहीं दे रहे, और वो ये 98% में है। तो क्या होता है कि सिकल सेल ट्रेट वाला है जो एसिम्टोमेटिक है, वो एसिम्टोमेटिक के साथ मैरिज करते हैं, जब मैरिज करते हैं तो उसके बच्चे सिकल सेल डिजीज वाले भी आ जाते हैं, ट्रेट भी आते हैं। जब प्रेगनेंसी रहती है इसके बाद हम स्क्रीनिंग चालू करते हैं कि भाई आपको है, आपके बच्चे को, ये सब करते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत वो है कि इसीलिए हमें कैरियर स्टेज पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जब तक हम कैरियर स्टेज पे ध्यान नहीं देंगे हम ये प्रिवेंशन नहीं कर पाएंगे, कुछ भी कर ले, गवर्नमेंट कर ले, कोई भी कर ले, लेकिन जब तक हम कैरियर स्टेज पे ध्यान नहीं देंगे और मैरिज काउंसलिंग, कॉलेज काउंसलिंग वो सब नहीं करेंगे, तब तक इसको रोकना इट इज इम्पॉसिबल। और अब ओडिशा से चलते हैं महाराष्ट्र। राज्य में आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण से होने वाली मौतों ने चिंता बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी आदिवासी क्षेत्रों में पोस्टिंग लेने से इनकार करते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने 52 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है। गुरुवार को राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि इन डॉक्टरों को आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ड्यूटी के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया। इन डॉक्टरों में 21 बाल रोग विशेषज्ञ और 31 स्त्री रोग विशेषज्ञ है। दरअसल कोर्ट में बंडू संपतराव साने ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया था कि 2022 में महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण के कारण लगभग 10,000 मौतें हुई, लेकिन अदालत के कई आदेशों के बावजूद भी कोई विशेषज्ञ डॉक्टर इन इलाकों में काम नहीं करना चाहता है।
इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SV गंगापुर वाला और न्यायमूर्ति संदीप मारने की पीठ ने राज्य सरकार से पूछा था कि उन डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है जो आदिवासी क्षेत्रों में रिपोर्ट नहीं करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी बताया कि मेलघाट और नंदुरबार जिलों जैसे आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के कुपोषण से होने वाली मौतों की संख्या ज्यादा है, जिसे कम करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। सहायक सरकारी वकील नेहा भिड़े ने बताया कि फिलहाल राज्य में 226 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हैरानी जताई कि जब इतने सारे कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बावजूद कुपोषण से मौत के आंकड़े कम क्यों नहीं हो रहे। इससे पहले दिसंबर में ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदिवासी क्षेत्रों में पोस्टिंग लेने से इनकार करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया था। अपने दूसरे सेगमेंट MBB पोल में आज हमने आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, जीवन शैली में आ रहे बदलावों की वजह से आदिवासी समुदायों में भी बीमारियां बढ़ रही हैं। इस सच्चाई को मानकर वहां इलाज की आधुनिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा यानी 82% लोगों ने माना कि आदिवासी इलाकों में इलाज की आधुनिक सुविधाएं दी जानी चाहिए, जबकि 16% लोगों के मुताबिक आदिवासियों को अपनी जड़ी बूटियों से ही इलाज करने देना चाहिए। वहीं 2% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? आदिवासियों की जीवन शैली में बदलाव आ रहा है, इस बदलाव के चलते सेहत से जुड़ी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। ताजा उदाहरण केरल का है। यहाँ 40 साल से कम उम्र के लोगों की मृत्यु की दर बढ़ी है। केरल में फूड कमीशन के चेयरमैन KV मोहन कुमार के नेतृत्व में एक पैनल ने आदिवासी इलाकों में एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन में सामने आया कि इन इलाकों में खाने की आदतों में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इन बदलावों की वजह से आदिवासी जनसंख्या में बीमारियों के गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं। आदिवासी गांवों में बच्चे अब अपने परंपरागत खाने को पसंद नहीं कर रहे हैं। आदिवासी बस्तियों में भी अब जंक फूड पहुंच रहा है। आदिवासी गांवों में किडनी और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी पहुंच गई हैं। लेकिन ये समस्या सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है। नवंबर 2022 में ICMR ने देश के 12 आदिवासी जिलों में एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन में ये पाया गया कि आदिवासी इलाकों में जीवन शैली में बदलाव से जुड़ी बीमारियों की वजह से लोगों की मौत की संख्या बढ़ी है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जिन आदिवासियों की मृत्यु हुई, उनमें से 70% की मौत घर पर ही हुई थी, यानी उन्हें अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाया था। यह आदिवासी इलाकों की सबसे बड़ी चुनौती है। दुनिया बदल रही है और संचार के साधन आदिवासी इलाकों तक भी पहुंचे हैं। इसके अलावा सरकार भी चाहती है कि आदिवासी भी मुख्य धारा का हिस्सा बने, इसलिए उनकी जीवन शैली में बदलाव आना लाजमी है। लेकिन बदलाव के साथ ये भी जरूरी है कि इन आदिवासी इलाकों में नियमित रूप से स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन किए जाएं और उनके परिणामों के हिसाब से वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का निर्माण किया जाए। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ में आजादी का बिगुल फूंकने वाले अमर शहीद गैंद सिंह जी के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य आज उनकी शहादत दिवस मना रहा है। गैंद सिंह जी छत्तीसगढ़ के पहले शहीद थे। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने जिस समय छत्तीसगढ़ में अपना साम्राज्य स्थापित किया, उस दौरान छत्तीसगढ़ में मराठों की सत्ता थी। मराठा हुकूमत के साथ मिलकर अंग्रेजों ने बस्तर के आदिवासियों पर जुल्म अत्याचार शुरू कर दिए। इस दौर में बस्तर के अंदर हल्बा आदिवासी विद्रोहों का आगाज हो चुका था। 1824 के आते आते आदिवासियों पर अत्याचार काफी बढ़ गए थे। तभी अबूझमाड़ में गैंद सिंह के नेतृत्व में आदिवासियों का एक विद्रोही संगठन तैयार हुआ। गैंद सिंह जी ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। उन्होंने अंग्रेज मुक्त बस्तर का नारा दिया और यहीं से देश में स्वतंत्रता आंदोलन का पहला आगाज हुआ। इसे परलकोट विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1825 में यह विद्रोह और तेज हो गया, जिसके चलते अंग्रेजी हुकूमत को डर सताने लगा।
10 जनवरी 1825 में अंग्रेजों ने भारी सैन्य ताकत के बलबूते परलकोट को पूरी तरह से घेर लिया। इस दौरान गैंद सिंह जी गिरफ्तार कर लिए गए। 20 जनवरी 1825 को परलकोट महल के सामने छत्तीसगढ़ के वीर सपूत गैंद सिंह को फांसी दे दी गई। अगर भारतीय इतिहास में परलकोट के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह माना जाता तो गैंद सिंह जी भारत के प्रथम शहीद कहलाते। आज उनकी शहादत दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि मातृभूमि के लिए उनका अदम्य शौर्य और बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। और ये था हमारा आज का आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। इसके साथ ही अगर आप कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।